राम राम। राम शब्द में दो अर्थ वेज्जित हैं, सुखद होना और ठहर जाना। अपने मार्ग से भटका हुआ कोई क्लांत पथिक किसी सुरम्य स्थान को देखकर ठहर जाता है। हमने सुखद ठहराव का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द गढ़े, सभी में राम अंतर्निहित है। आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, ग्राम, जो रमने के लिए विवश कर दे ओ राम। जीवन की आपाधापी में पड़ा अशांत मन, जिस आनंददायक गंतव्य की सतत तलाश में है, वो गंतव्य है राम। भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आती है। दुख में है हे राम, पीड़ा में अय राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, स्वागत में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य, सुशासन के लिए राम राज्य, ऐसी अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ लिए खड़ी दिखती हैं। राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं। हर भारतीय उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए राम है। निर्बल के बलराम, असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी राम कथा का आकर्षण कभी नहीं खोता। राम पुनर्नवा है। हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वो राम है, जो शाश्वत है वो राम है। सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है वही तो राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वो भी राम ही है। सीमाओं के बीच छुपे असीम को देखना हो तो राम को देखिए।